पिछले महीने यूक्रेन को बड़ी मिन्नतों के बाद F-16 लड़ाकू जेट की पहली खेप मिली थी और जेलेंस्की ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि पुतिन की सेना के लिए सबसे अहम टारगेट ये F-16 जेट्स हैं। इसलिए जेलेंस्की ने अपने उच्च अधिकारियों को ये सख्त हिदायत दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन फाइटर्स जेट की लोकेशन का पता रूस को नहीं लगना चाहिए। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी जेलेंस्की के अधिकारी एक चूक कर गए, जिससे जेलेंस्की की F-16 की लोकेशन छिपाने की सारी कोशिशें दरी की दरी रह गई। दरअसल यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी वायुसेना के कमांडर ने F-16 की तैनाती पर बड़ी चूक कर दी है, जिस वजह से रूस ही नहीं बल्कि दुनिया भर को यूक्रेन के F-16 फाइटर जेट की लोकेशन पता लग गई है। दरअसल यूक्रेनी वायुसेना कमांडर माइकोला ओलेशुक ने अपने एक शहीद पायलट को श्रद्धांजलि देते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया था। वीडियो में यूक्रेनी रंग से रंगा एक F-16 लड़ाकू जेट देखा गया। इतना ही नहीं, वीडियो में कमांडर ये भी कहते हुए देखे गए कि अत्यधिक बेशकीमती विमान इवानो फ्रैंकविस्क इलाके में कोलोमिया सैन्य हवाई क्षेत्र में तैनात है। हालांकि इस घटनाक्रम पर अब तक यूक्रेन की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। वीडियो के लीक होते ही F-16 की विस्फोटक जानकारी के खुलासे ने कई सवाल खड़े कर दिए कि क्या यूक्रेन ने जानबूझकर F-16 लड़ाकू जेट की लोकेशन का खुलासा किया। एविएशन इंटरनेशनल मैगजीन में कहा गया कि ऐसी कार्रवाई रूस के लिए एक जाल भी हो सकता है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि F-16 जेट को दिखाने के पीछे यूक्रेन की बड़ी मंशा भी छिपी हो सकती है, जिसके तहत एक मकसद ये दिखाना भी हो सकता है कि लड़ाकू विमान वास्तव में यूक्रेनी सरजमी पर तैनात है, न कि सहयोगी देशों की जमीन पर। वहीं सवाल ये भी है कि यूक्रेन ने करीब एक महीने बाद ही क्यों F-16 के ठिकानों की पहचान उजागर की है। दरअसल बीते 25 अगस्त को यूक्रेन की वायुसेना के कमांडर ने यूक्रेनी वायुसेना के पायलट की मौत की पहली बरसी पर वीडियो संदेश जारी किया। इसमें मृतक पायलट के परिजन को F-16 फाइटर जेट के कॉकपिट पर जाने की इजाजत दी गई। दावा है कि मृतक पायलट F-16 फाइटर जेट की उड़ान भरना चाहता था। इस दौरान यूक्रेनी कमांडर को F-16 जेट के पास ही पायलट के परिजन से बात करते हुए देखा गया। बताया जाता है कि पायलट अक्सर यूक्रेन के सहयोगी देशों से आधुनिक लड़ाकू जेट की सप्लाई की वकालत करता रहा था। यूक्रेनी सैनिक पायलट को जूस नाम से पुकारते थे। बीते साल 25 अगस्त 2023 को पायलट की युद्धाभ्यास के दौरान दो लड़ाकू विमानों के टकराने से मौत हो गई थी। यूक्रेन के F-16 जेट्स की लोकेशन उजागर होने के बाद हाल में रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में जबरदस्त हवाई हमले किए हैं। इस कड़ी में रूसी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने इवानो फ्रैंकविस्क में यूक्रेनी एयरबेस पर हमला किया। इसमें पश्चिमी देशों के यूक्रेन को सौंपे गए F-16 लड़ाकू विमान तैनात थे। हालांकि रूसी मीडिया के दावे पर यूक्रेन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। खैर, जिन F-16 के दम पर जेलेंस्की इतनी छाती चौड़ी कर रहे हैं, आइए जान लेते हैं उस F-16 लड़ाकू विमान की खास बातें। F-16 की गिनती दुनिया के सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित लड़ाकू विमानों में होती है। इसकी लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 9.45 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। यह 15,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसका वजन 9.2 टन है और ये एक बार में 21.7 टन वजन लेकर उड़ सकता है। इसकी रेंज 4200 किलोमीटर है। ये 2145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। F-16 सिंगल इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, यानी ये किसी भी तरह के ऑपरेशन में काम कर सकता है। ये चौथी जनरेशन का लड़ाकू विमान है। इसमें हवा से हवा और हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलों को तैनात किया जाता है। इसमें लगने वाली मिसाइलों की रेंज 100 किलोमीटर है। ये 20 मिलीमीटर तोप से लैस है। ये बम, रॉकेट और मिसाइल ले जा सकता है। ऐसे में देखना काफी अहम रहेगा कि रूसी सेना F-16 जेट से जुड़े बड़े इनपुट का कितना फायदा उठाती है, या जिस मकसद को अंजाम देने के लिए यूक्रेन ने इस खतरनाक जेट को मंगाया है, इसमें वह सफल हो पाएगा या नहीं।